गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने घर पर बैठकर सिर्फ आधे घंटे काम करके अपने इस मोबाइल फोन से, जी हाँ गाइज, इस मोबाइल फोन का यूज करके और इंटरनेट का यूज करके कैसे आप महीने का काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डेली के डेली आप $50 तक अर्न कर सकते हैं सिर्फ आधे से एक घंटे काम करके। और यहाँ पर आपको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, ना तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ना तो आपको कोई चैनल बनाना है यूट्यूब पर, कोई वीडियोस नहीं बनानी, ना तो कोई ब्लॉग बनाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल बिना स्किल्स के आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आप अर्निंग करना सीख जाएंगे। एकदम नया मेथड है, अभी तक यूट्यूब पर पूरे किसी ने नहीं बताया है। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसे करिएगा, ठीक है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर, मैं आपकी वीडियोस देखने के बाद 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं कर पाया हूं अभी तक। और जब उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर, मैंने काफी लोगों को मेल किया, जो आपने थंबनेल का वर्क सिखाया था, तो मैंने काफी यूट्यूबर्स को मेल किया, मेल करने के बाद वहां पर मुझे वर्क नहीं मिला, किसी यूट्यूबर ने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, आप मुझे अपना वर्क जो है इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिए। तो गाइज, अगर पहले आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरा पेज है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने मुझे मैसेज करने से मना कर दिया, बोला कि सर, मैं इतना अच्छे से अभी एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ और तरीका सिखा दीजिए, तभी मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि वो सीख सके। और गाइज, देख लीजिए, थंबनेल अच्छे से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे सेंड करने से मना कर दिया और बोला कि मेरी स्किल्स अभी अच्छी नहीं है, इसीलिए जो है मैं अभी आपको थंबनेल नहीं दे सकता हूँ, मेरी एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो गाइज, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहले आप अच्छे से सीख लीजिए, सीखने के बाद तब आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अब मेरा यही चैनल का आप एग्जांपल ले लीजिए, मुझे जो है यहां पर 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस चैनल से अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है जस्ट इस मंथ में, ठीक है, तो आप लोगों के प्यार की वजह से। तो यहां पर मैं इतने वैल्यूबल कंटेंट दे रहा हूं 1 साल से, तो क्या मैं किसको बोल सकता हूं कि मैं अर्निंग नहीं कर रहा हूं? मैं किसको जाकर कमेंट करूं कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही, क्या करूं, आपने गलत सिखाया, क्या किया? लेकिन गाइज, यहां पर मैं मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे यह पता है कि इस चैनल से मुझे एक ना एक दिन अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और अब तो स्टार्ट भी हो गई है मुझे अर्निंग होना। तो इसलिए बोलता हूं, डेडिकेशन रखिए आप, कंसिस्टेंसी रखिए, मेहनत करिए आप। जब मेहनत करते जाएंगे, सीखते जाएंगे और उस चीज को 6 महीने तक कम से कम अपने लाइफ में उसको वर्क करिए, ठीक है, उस पर सीखने को दीजिए, तब आप अर्निंग जरूर करेंगे। तो गाइज, आज जो मेथड आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल है, आप यहां से पैसिव इनकम कर सकते हैं। मतलब आप दिन में 1-2 घंटे आराम से काम करिए, अगर नहीं भी करेंगे, जो काम पहले कर चुके हैं उससे भी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर आप सो भी रहे हैं फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना सिर्फ इतना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइज, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो प्लीज आप उन तक शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप यहां पर साइड में देख सकते हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। पहले यहां पर मुझे क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहां पर मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करने के बाद मुझे एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है जिसका नाम है टीस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं, टी स्प्रिंग करके एक वेबसाइट है, ऊपर ही आपको सर्च करने पर यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो इसी वेबसाइट को मुझे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज, ध्यान से देखते जाइएगा, प्रोसेस आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा, आपको करना क्या है और पैसे आपके बैंक तक कैसे आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और सिर्फ देखिएगा मत, उसको करिएगा, ठीक है, सीखिएगा 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन उसको सीखिएगा, ठीक है। वहां पर फिर काम करिएगा तो आप पैसे जरूर कमाएंगे, और 1-2 दिन करने से नहीं होगा, आप पहले सीखेंगे, आप लर्न करेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे। जब यहां पर मैं साल साल भर यहां पर इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूं तो आप 10 दिन क्यों नहीं कर सकते हैं? थोड़ा 10 दिन समय दीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर डायरेक्ट मैं बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ये पेज है, यहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये वेबसाइट जब आप ओपन कर लेंगे, टीस्प्रिंग नाम से है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद गाइज, यहां पर आपको दिखेगा स्टार्ट क्रिएटिंग, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, स्टार्ट क्रिएटिंग पर। उसके बाद गाइज, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, योर नेम और ब्रांड नेम, ठीक है, अपना नाम यहां पर डाल देना है ऊपर। उसके बाद गाइज, यहां पर सेकेंड ऑप्शन में आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, नीचे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहां पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहां पर जो है क्लिक कर दीजिएगा,
आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज साइन अप पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। साइन अप जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा, और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो नीचे आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर कंटिन्यू विथ फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप फटाफट ऊपर वाला फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर दीजिए, मैं फटाफट ये आपको करके दिखा देता हूं। उसके बाद गाइस जैसे साइन अप पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपके पास एक मेल आ जाएगा, मेल आपको वेरीफाई करना है। अगर आप मेल अपना चेक करेंगे तो आपको एक मेल आया होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना मेल आईडी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस जैसे ही आप वहां पर क्लिक कर देंगे, जो आपको मेल आया था, मेल पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा जब, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान से आप देखते जाइएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही काम करिएगा, तभी आप अर्निंग करेंगे। आप पहले समझ लीजिए यहां पर, तो यहां मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आप यहां पर अपग्रेड भी कर सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं अपना, और यहां पर देखिए स्टोर्स देख सकते हैं, पे आउट। अब यहां पर पे आउट पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए यहां पर आपको पेमेंट कैसे मिलेगा, तो यहां पर पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूं, तो यू आर करेंटली डोंट हैव एनी प्रॉफिट, तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। तो यहां पर अभी देखिए मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो इसका मैं इंटरव्यू ले चुका हूं, वो यहां से काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर मैं सेटिंग पर क्लिक कर देता हूं। सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइज यहां पर अपना डिटेल वगैरह कुछ फिल करने को आएगा, जिससे कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रदीप सोनी क्रिएटर, डिस्प्ले नेम वगैरह डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिएगा, और यहां पर ईमेल आईडी डालने के बाद कंफर्म कर लीजिएगा, यहां पर सब कुछ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। आप उसके बाद जब ये सब आप फिल कर देंगे आप, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर आप डाल सकते, देखिए चेंज योर डिफॉल्ट एड्रेस, यहां पर अपना एड्रेस वगैरह डाल देना है, ठीक है। एड्रेस वगैरह डालने के बाद गाइज यहां पर सब कुछ अपना फिल कर दीजिएगा, आईडी वगैरह जो भी पूछ रहा है यहां पर, एड्रेस वगैरह, सेट योर पेपैल एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर अपना पेपैल एड्रेस डाल दीजिएगा, जिससे कि आपका पैसा जो है आपके पेपैल में आ जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर अगर कोई अकाउंट नहीं आपका पेपैल में, तो आप देखकर यूट्यूब पर उसको बना लीजिएगा। तो यहां से देखिए आप यहां से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं नहीं फिल कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। जहां पर जो पूछ रहा है आप वो फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद गाइस ये तो बात हो गई कि आपको जो है पैसे कैसे आपके बैंक में आएंगे, ठीक है। अब आपको कमाना कैसे है पैसे, वो पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद गाइस, तो यहां पर गाइस मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद आप यहां पर देखिए दिख रहा है क्रिएट प्रोडक्ट, तो यहां पर इस ऑप्शन पर मुझे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखते जाइए आपको करना क्या है। आप देखिए आसानी से पैसे कमाएंगे और साइड बाय साइड आपकी इनकम आती रहेगी, ठीक है, घर बैठे पैसिव इनकम। अब देखते जाइए, अब देखिए मैंने क्या बोला था, ना तो आपको वीडियो बनानी है, ना तो ब्लॉग बनाना है, ना तो ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। तो देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जस्ट आपको यही कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे वही सीख लीजिए। और वो जो आपके प्रोडक्ट जो आपने कस्टमाइज किया है, इस वेबसाइट पर सेल होंगे, काफी अच्छे ट्रैफिक है यहां पर। जब वहां पर सेल होंगे, मान लीजिए वो $20 का है टी शर्ट जो आपने क्रिएट किया है, $20 का पड़ रहा है, आप उसे $30 में अपना सेट कर देंगे मार्जिन, तो वो जो है $30 में इस वेबसाइट से सेल हुआ करेंगे। सेल होने के बाद गाइज आपकी जो अर्निंग होगी $10 की, अगर एक प्रोडक्ट सेल होता है तो आप $5 भी रख सकते हैं, $10 भी रख सकते हैं, $15 भी रख सकते हैं। तो मेरी मानिएगा, आप कम से कम प्राइस रखिएगा, $5 का मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। तो जब आपका एक प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको यहां पर $5 की अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर काफी अच्छे ट्रैफिक्स हैं, जो कि फॉरेन की ट्रैफिक है, ठीक है। तो वहां पर डॉलर्स में काफी अच्छे प्रोडक्ट, ये सब जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं, तो काफी अच्छे आप पैसे इस तरीके से कमा सकते हैं। और अगर आपको जल्दी सेल चाहिए तो आपको थोड़ा जो है मार्केटिंग वगैरह करना पड़ेगा। आप जैसे कि आपका इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल वगैरह होगा, तो वहां से आप उसका प्रमोशन करके, ब्रांडिंग करके, वहां से भी ट्रैफिक लाकर अच्छे खासे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो भी आप यहां से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा पहले ध्यान से सीख लीजिए। अब गाइस जैसे कि यहां पर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो यहां पर देखिए एक टी शर्ट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए एकदम सादा और सिंपल है, यहां पर देखिए आपको वाइट दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम सादा और सिंपल है। अब इसे मुझे कस्टमाइज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर कस्टमाइज पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद गाइज अब देखिए यहां पर एड इमेज ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है, और एक ऑप्शन दिख रहा है एड टेक्स्ट,
ठीक है। तो यहां पर आप ये दोनों ऑप्शन, अगर आपने कोई इमेज जनरेट किया है वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे आप इमेज, जैसे कि आप कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रिंट किया हुआ रहता है, तो इस टी शर्ट पर आप अपना डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। वही डिजाइन आप जो बनाएंगे अगर वो कुछ यूनिक होगा तो लोग उसे बाय करेंगे, ठीक है। आपकी डिजाइन अगर पसंद आती है तो कुछ यूनिक बनाइएगा। जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहां पर पहले मैं सिखा देता हूं कि एड टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज अब यहां पर देखिए टेक्स्ट आ चुका है, अब मुझे इस पर क्लिक करना है और मुझे यहां पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर टेक्स्ट पे क्लिक करके लिख देता हूं प्रदीप सोनी क्रिएटर, ठीक है। तो ये चैनल का नेम है प्रदीप सोनी क्रिएटर, इसलिए मैं यही लिख दे रहा हूं यहां पर। तो ये नेम से कोई बिकेगा नहीं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो आप कोई भी थॉट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आई लव माय मॉम डैड, या फिर आई लव माय फादर, आई लव माय मॉम, मतलब कुछ भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी थॉट्स यहां पर लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा इंग्लिश टेक्स्ट ही लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है प्रदीप सोनी क्रिएटर, ठीक है। ये मेरा ही चैनल का नेम है, जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नेम है प्रदीप सोनी क्रिएटर, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, तो ध्यान में रखिएगा जो ये रेड कलर का, जो ये देखिए आप साइड में लाइन दिख रही है रेड कलर का, इसी के अंदर वो टेक्स्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर ये नाम लिख दिया है, अब देखिए यहां पर ऊपर आप यहां पर क्लिक करके आप देखिए कोई भी टेक्स्ट यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आएगा। तो यहां से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर इसे रेड कर देता हूं। रेड करने के बाद गाइज आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन भी यहां से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर अंडरलाइन नहीं अच्छा लग रहा है तो मत रखिएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट यहां पर लिख सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा होगा, ठीक है। आप कुछ ऐसे थॉट्स लिखिएगा जिसको लोग पसंद करें, ठीक है, जैसे कि आई लव माई मॉम डैड, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो लोगों को पसंद आए और वो उसे खरीदें। आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं इसे, लोगों के लिए बना रहे ताकि वो खरीदें। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो आप एक रुपए की भी अर्निंग नहीं कर पाओगे, बाद में कमेंट मत करना। तो ठीक है गाइज, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले। तो यहां पर देखिए आपने जब डिजाइन कर लिया, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो जो आप खरीदेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे कि मैं एग्जांपल के अपना चैनल का नेम लिखा हूं, आप अपना थॉट्स वगैरह लिखिएगा और ऐसे ही आप कई सारे बनाइएगा वहां पर, ठीक है, पहले सीख लीजिए। तो देखिए अब यहां पर आपने प्रदीप सोनी क्रिएटर लिख दिया, अब यहां पर आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक कर देना, ठीक है। प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए टी शर्ट देखिए बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, फिर से अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहां पर कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के बाद देखिए गाइज यहां पर दो ही कलर दिख रहे हैं अभी, जैसे जो चूज ए प्रोडक्ट कलर यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा, तो अभी मैंने व्हाइट वाला सिलेक्ट किया है, आप ब्लैक वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्रे कलर भी है उसको भी सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो टी शर्ट है वो तीनों कलर में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए गाइस यहां पर आपको साइड में यहां पर देखिए दिख रहा होगा तीनों कलर में ये टी शर्ट अवेलेबल हो चुकी है। अगर मैं ब्लैक पर करता हूं और व्हाइट पर करता हूं, देखिए तीनों भी कलर में टी शर्ट अवेलेबल हो चुकी है। अब फिर से मैं यहां पर कस्टमाइज पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद गाइस अब यहां पर देखते जाइए, यहां पर सेट योर प्राइसिंग, यहां पर आपको दिख रहा होगा सेट योर प्राइसिंग, यही मेन मेथड है जिससे कि आपकी अर्निंग होगी। तो यहां पर आप देखिए यूएस दिख रहा है, तो यहां पर आपको डॉलर में सेल करना है, ये प्रोडक्ट आपका डॉलर में सेल होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट डिजाइन बनाकर यहां पर डाल देने हैं अपने स्टोर पर, सेल्स खुद ब खुद आएंगी, ठीक है। जब आपके डॉलर्स बनेंगे तो आप उसे पेपैल में जो है विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने आपको सिखा दिया कि आप विड्रॉल कहां करेंगे, वहां पर वो फॉर्म वगैरह फिल कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए जैसे कि ये मान लीजिए $19 है टोटल, तो यहां पर मैं इसे $25 कर देता हूं, ठीक है, $25 यहां पर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं $25 में इसे सेल कर सकता हूं, और यहां पर देखिए मेरी मार्जिन कितनी दिख रही है, $8 का मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहां पर गाइज मैंने $25 जो है ऐड करने के बाद यहां पर देखिए मेरी $8 की प्रॉफिट होगी जब भी ये टी शर्ट सेल होगा। तो मैं आपसे कहूंगा आप कम से कम प्रॉफिट रखिएगा, ताकि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा डिजाइन सेल हो। मान लीजिए यहां पर मैं सिर्फ यहां पर कर देता हूं $22, ठीक है। $22 करने के बाद अब यहां पर साइड में देखता हूं तो यहां पर $5 हो चुके हैं। $5 भी कम नहीं होते कमीशन गाइज, यहां पर लगभग $5 के 350 से 400 रुपए आपके बन रहे हैं एक अगर टी शर्ट सेल होता है तो, कम नहीं है। अगर दिन भर में आपकी 10 टी शर्ट सेल हो जाती है तो आपका 3500-4000 रुपए इजिली बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने मार्जिन सेट कर दिया। सेट करने के बाद गाइज अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए यहां पर नीचे आपको क्लोज का दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइज
आपने मार्जिन वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है, अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब देखते जाइए आपका डिजाइन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइस, आपके सामने इस तरीके से एक पेज और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पेज पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है उसको आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है कुछ ना कुछ तो सेल होगा ही होगा, ठीक है। आपने एक टी शर्ट पर वो डिज़ाइन बनाया गाइस, ये वाले टी शर्ट को भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, उसके बाद ये वाला हुडीज है इसको भी ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर एक ग्लास दिख रहा है, अगर इसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो ये सेल नहीं होगा, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। जो जो चीज़ सेल होगी आप उस पर अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको भी ऐड कर दीजिए, ये कप दिख रहा है आप इसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये सेल नहीं होगा, आपका जो डिज़ाइन बनाए हैं आप वो टी शर्ट के लिए बनाए हैं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक ही डिज़ाइन आप कैसे ही हर तरीके से, देखिए यहाँ पर ये वाली टी शर्ट पर भी कर दीजिए, और देखिए ये ब्लैक हुडीज़ है इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस जिस चीज़ पे आपको कस्टमाइज़ करना है अपने प्रोडक्ट को, जिसको आपको सेल करना है, ठीक है। एक रुपया भी आपका नहीं लग रहा है, फ्री में काम हो रहा है, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट का यूज़ करके लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो ठीक है। आपका समय खाली लग रहा है थोड़ा सीख लीजिएगा, तभी आप पैसे कमाएंगे। देखिए उसके बाद आप ये सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, तो यहाँ पर आपको टाइटल लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रदीप सोनी क्रिएटर, वही मैंने लिखा हुआ है प्रदीप सोनी क्रिएटर, तो यहाँ भी वही लिख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि जो टी शर्ट बना रहे हैं उस पर मान लीजिए लिखा हुआ है आई लव माई मॉम डैड, तो यहाँ पर आप उसका टाइटल वगैरह लिख दीजिएगा आई लव माई मॉम डैड टी शर्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दीजिएगा, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से भी यूज़ करके वहाँ से भी कुछ डिस्क्रिप्शन लाकर तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, डाल दीजिएगा कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ एक मनी ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद गाइज, उसके बाद जब यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तब आपको करना है, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा लॉन्च लिस्टिंग, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपका प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो जाएगा, तो देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 मिनट से कम समय में मैंने एक डिज़ाइन कस्टमाइज़ करके आपको सिखा दिया। तो इसी तरीके से अगर आप दिन भर में 10-15 डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर देते हैं, लेकिन डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि US वगैरह में, तो वो सब डिज़ाइन अगर आप कस्टमाइज़ करते हैं तो आपका प्रोडक्ट ज़रूर सेल होगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए आपको यहाँ पर कस्टमर लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट जो है समय लगेगा तो आपकी जो है सेलिंग होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए अभी स्टेप देखिए 2 चल रहा है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 चल रहा है, स्टेप 3 होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समय लगेगा, मैं इसे तो थोड़ा स्पीड में करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तीसरा स्टेप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप सोनी क्रिएटर इज नाउ लाइव, मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट है वो अब लाइव हो चुका है। तो गाइज अगर आप इस पर ज़्यादा सेल्स लाना चाहते हैं, तुरंत लाना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम है तो आप उसे यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेयर URL, तो ठीक है इसको अगर आप शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद गाइज आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर आकर आपका टी शर्ट जो है बाय कर सकती है जो आपने कस्टमाइज किया है, ठीक है। और उसके बाद गाइज मान लीजिए आपके पास ऑडियंस नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपका सेल्स जो है ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अगर आप वहाँ पर प्राइसिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट लिस्टिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, जिस पर भी कस्टमाइज किया है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, वहाँ उसका प्राइसिंग वगैरह आप उसका प्रॉफिट वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर किसी का प्रोडक्ट का मार्जिन ज़्यादा रहेगा तो आप उसे यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं, अगर कोई भी प्राइसिंग वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद गाइज अब उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर व्यू लिस्टिंग पर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज आपका स्टोर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना स्टोर देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने एक प्रोडक्ट अभी कस्टमाइज़ किया है, तो यहाँ पर ये $22 का है, देखिए प्रदीप सोनी क्रिएटर करके आ चुका है, और यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का, यहाँ से मैंने 3 कलर का बनाया था, ठीक है, 3 कलर के टी शर्ट मैंने बनाए थे, तो यहाँ पर तीनों कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए साइज भी, यहाँ पर आपको सभी साइज अवेलेबल है, सभी साइज भी मिल जाएंगे। उसके बाद ऐड टू कार्ट करके यहाँ से कस्टमर बाय कर सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, बनाने के बाद यहाँ पर लिस्ट कर देना, कस्टमाइज करना है अपना कुछ यूनिक तरीका। तो देखिए आपने किया क्या है, आपका एक रुपया भी लगा, जस्ट आपका समय लगा है, आप इसे 1 घंटे रोज समय दे सकते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि पहले दिन से कमाई होगी,
आप समय दीजिए, आप काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने खाली अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ किया है। कस्टमाइज़ करने के बाद गाइज आपका जो टी शर्ट होगा, यही वेबसाइट जो है उस टी शर्ट को बनाएगी, प्रिंट करेगी, सब कुछ उसका होगा, वही शिपिंग करेगी, वही कस्टमर के एड्रेस तक पहुँचा देगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ने डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन बनाने के बाद आप जो है $5, $10 अपने एक प्रोडक्ट के पीछे मार्जिन रख सकते हैं। दिन में अगर 10 भी सेल हो जाता है तो आप सोच सकते हैं 5×10 हो जाते हैं $50, मतलब ₹4,000 इजिली आप यहां से कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते जाइए, आप ये तो कर ली। अब मान लीजिए गाइज आपको और भी प्रोडक्ट यहां पर लिस्ट करना है, तो यहां पर आप 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहां पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो है एक अपना नया डिज़ाइन और भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना दिमाग लगाते जाइए और भी डिज़ाइन यहां पर तैयार करते जाइए। आपको यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को लिए मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट को आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो नया नया डिज़ाइन आप बनाते जाइए। 100, 50, 150 जितना आपके दिमाग में डिज़ाइन आए, लेकिन कुछ यूनिक बनाकर यहां पर डालते जाइए। तो देखा गाइज आप अपने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का यूज़ करके भी घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बिना एक रुपया लगाए। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके लाता रहता हूँ, नया नया तरीका लाता हूँ। तो ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आइए गाइस, तो आप इस पर काम करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कैसे लोग कमा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।